इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन यरग़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ नौजवानों और प्यारे बच्चों, ये ईद उल अज़हा का जो मौका है यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की यादगार है। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं अल्लाह के रसूल? तो आपने जवाब दिया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम की ये सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह सारे इंसानों के लिए रोल मॉडल हैं, इसी तरह बतौर ख़ास मुसलमानों के लिए आपको एक नमूने के तौर पर, एक उसवा के तौर पर पेश किया गया है। क़द कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, तुम्हारे लिए उसवाए हसना मौजूद है इब्राहीम की ज़ात के अंदर। और इस मिल्लत को मिल्लत इब्राहीमी कहा गया। वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन फ़ी मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, ये मिल्लत इब्राहीमी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो आयत मैंने पढ़ी, व मन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह, और इब्राहीम के तरीक़े पर चलने से इनकार या बेरग़बती और बेज़ारी वही लोग कर सकते हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिन्होंने अपनी जानों को, अपनी ज़ात को हल्का कर लिया है। व लक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और यकीनन दुनिया में हमने उसे मुंतखब किया था। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और यकीनन आखिरत में वो नेकोकारों में और सालिहीन में से है, यानी ऐसी ज़ातों में, ऐसे इंसानों में है जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसमें कोई खामी नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो हमें स्ट्राइक करते हैं, हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हैं, जिन्हें हम उनकी ज़िंदगी के आउटस्टैंडिंग फ़ीचर्स कह सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो नुमाया खासियत हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आती है, वह है उनकी दावती तड़प, वह है गैर मुस्लिमों तक पैगाम हक़ पहुँचाना, वह है अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की हिदायत को पहुँचाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की जो तफसीलात कुरान करीम में बयान हुई हैं, उससे हमें मालूम होता है कि उन्होंने अपने वालिद माजिद को दीन हक़ की दावत दी थी। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ व ला युगनी अनका शैया, ए अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो आपकी बात सुनते नहीं, जो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, ए अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरी बात मानिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाता हूँ। या अबती लिमा ताबुदु शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया, ए वालिद मोहतरम, आप क्यों शैतान की पूजा करते हैं, शैतान तो रहमान का नाशुक्रा और नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमानि फतकून लिश्शैतानि वलिया, ए वालिदे मोहतरम, मुझे डर है कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आ जाए और फिर आप जहन्नम में हमेशा हमेश के लिए शैतान के साथ ना हो जाएं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम को दावत दी, अपनी कौम को भी उन्होंने दीन हक़ की दावत दी। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाला लि अबीहि व कौमिहि मा ताबुदून, इब्राहीम का तस्करा करो और कहो जब उसने अपनी कौम से कहा था, मा ताबुदून, ये तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो? उन लोगों ने कहा, नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, हम बुतों की पूजा करते हैं और हम इस इबादत पर कायम रहेंगे। हज़रत इब्राहीम ने कहा, हल यसमऊनकुम इज़ तदऊन, जब तुम इन्हें पुकारते हो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं? औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, या तुम्हें कोई फ़ायदा या कोई नुकसान पहुँचाते हैं? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की एक नुमाया खासियत है गैर मुस्लिमों तक, बिरादराने वतन तक, और अल्लाह के जो बंदे अल्लाह की हिदायत से महरूम हैं और कशा-कशा जहन्नम के रास्ते की तरफ चले जा रहे हैं, उनको रोकना, उनको दीन हक़ की तरफ लाना। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सबसे बुनियादी फ़िक्र होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इस वजह से कि ये ईमान नहीं लाते। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीस असफ़ा, शायद कि आप इस चक्कर में कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, इनके पीछे चलते चलते मारे अफसोस के अपने आप को हलाक कर लेंगे। तीसरी जगह फरमाया गया, ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, आपकी जान हसद करते हुए इनके ऊपर निकल ना जाए। मेरे भाई और दोस्तों, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है, और फिर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने वाले, उनसे जितनी ज़्यादा क़ुर्बत और उनसियत और मुनासबत रखते हैं, उनको इतनी ज़्यादा ये फ़िक्र होती है। ये मिल्लत इब्राहिमी का मनसब है, दीन हक़ की इशाअत करना, दीन हक़ का पैगाम सब तक पहुँचाना। वकुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए बर्पा की गई हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान का मुजाहरा करते हो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, और अल्लाह ताला ने तुम्हें इसी तरह उम्मत वसत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, आइडियल उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर शहादत हक़ का फरीज़ा अंजाम दो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर गवाह बने। मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तकाज़ा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान में ऐलान कराया गया, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कह दो कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, और मेरे पैरोकार भी इस रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी दावत का काम करते हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल जब आखिरी बार उम्मत से खिताब फरमा रहे थे, तो आपने इस्लाम की बुनियादी तालीमात का इजहार करके फरमाया, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पैगाम हक़ पहुँचा दिया, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पैगाम हक़ पहुँचा दिया। तो सहाबाए किराम ने कहा, लक़द बल्लगत रिसाला, आपने पैगाम हक़ पहुँचा दिया, व अद्दयतल अमाना, अमानत का हक़ अदा कर दिया, व नसहतल उम्मा, और उम्मत की खैरखाई में कोई कसर आपने नहीं छोड़ी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा फशहद, एक साई और रिलीफ, चैन की सांस लेते हुए आपने फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, जो जिम्मेदारी तूने मेरे कंधों पर डाली थी, सनुल्की अलैका कौलन सकीला, एक भारी बोझ, दीन हक़ को सारे इंसानों तक पहुँचाने का बोझ, अब ये शिफ्ट कर दिया मैंने जिम्मेदारी अपनी उम्मत के ऊपर, अब ये चार्ज इन्होंने ले लिया है, अब दीन हक़ को पहुँचाने का काम इन्हें करना है। उस ज़माने में एक एक बच्चे के जहन में, एक एक नौजवान के जहन में ये तसव्वुर था, ये अक़ीदा था कि हम मैन ऑन द मिशन, हम नेशन ऑन द मिशन, हमारा एक मकसद ज़िंदगी है, हमारा काम में इन भटकती हुई इंसानियत को दीन हक़ की तरफ लाना। रुस्तम के दरबार में जब हज़रत रिबाई इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे और उसने कहा, मल्लज़ी जाअ बिक, तुम क्या चीज़ क्यों आए हो हमारे पास, क्यों हमारे मुल्क में आए हो, क्यों दावत दे रहे हो हमें। तो कहा उन्होंने, अल्लाहु इब्तासना, अल्लाह ने हमें मबूस किया है, अल्लाह ने हमें भेजा है, लिनुखरिजा मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा, ताकि हम जिसको अल्लाह चाहे उसको बंदों की ग़ुलामी और बंदगी से निकाल कर अल्लाह वहदहु ला शरीक की बंदगी और ग़ुलामी में दाखिल करें। व मिन जौरिल अदयान इला अदल इस्लाम, और अदयान बातिला ने जो ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रखे उनसे निकाल कर अल्लाह के बंदों को इस्लाम के साया अदल व इंसाफ में ले आएँ। व मिन ज़ीक़ि दुनिया इला साअतिहा, और दुनिया की तंगी से निकाल कर दुनिया की वसअत की तरफ ले आएँ। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नुमाया पहलू है दावत हक़, और मिल्लत इब्राहिमी से निस्बत रखना, मिल्लत इब्राहिमी से अपने आप को जोड़ना, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का अहया करना, उसका एक हक़ है, उसका एक तकादा है कि हमारे अंदर दावती स्पिरिट पैदा हो। हमारे भाई बिरादरान वतन जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं, और हमें कोई फ़िक्र ना हो, हमें कोई टेंशन ना हो, हमें जवाबदही का कोई एहसास ना हो। तो मेरे भाई और दोस्त और साथियों, ये मिल्लत इब्राहिमी से रूगर्दानी है, उससे इनहिराफ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का जब हम जायज़ा लेते हैं, तो एक दूसरी खासियत हमें नज़र आती है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के हवाले कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, इज़ क़ाला लहू रब्बुहू अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब उसके रब ने कहा अपने आप को मेरे हवाले कर, अपनी उमंगों को, अपनी चाहतों को, अपनी आरजुओं को, अपने कैरियर को, अपने ख्वाबों को, अपने मुस्तकबिल को, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने रिश्ते नातों को, अपने ख़ानदान को, सबको मेरी चौखट पर डाल दे। अल्लाह हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया। और ये जो कमिटमेंट हज़रत इब्राहीम ने किया, इसको आखिरी सांस तक निभाया। व इन्न मिन शियअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, और यकीनन हज़रत नूह के ही कबीले से, हज़रत नूह की जमात से ताल्लुक़ ताल्लुक़ थे हज़रत इब्राहीम, जब वो अपने रब के पास लेकर आए कल्बे सलीम। कल्बे सलीम पाकीज़ा दिल, वो दिल जो उसने अपने रब के हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया था। उस दिल में कोई बुरा ख्याल भी नहीं आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का कोई जज्बा भी पैदा नहीं होगा। यकीनन कल्बे सलीम वाले बहुत सारे अल्लाह के बंदे होंगे, मगर एक बंदा जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गवाही दी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मिल्लत इब्राहीम का ख़ास तुरा इम्तियाज़ है कि पूरी ज़िंदगी दीन के साँचे में ढल जाए। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम दीनन क़य्यिमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा मा काना मिनल मुशरिकीन। मैं कह दो कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधे रास्ते की हिदायत दी है। वो सीधा रास्ता क्या है? दीनन क़य्यिमन, दीन क़य्यिम, मिल्लत इब्राहीम हनीफन शिर्क से दूर, हर तरफ से यकसू, वमा काना मिनल मुशरिकीन। और इब्राहीम मुशरिकों में से नहीं था। और मिल्लत इब्राहीम की फिर तशरीह आगे की गई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी ज़िंदगी की नश्त बर्खास्त, मेरा एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ है। तो मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की एक नुमाया खासियत यह है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को दीन के साँचे में ढाल लिया था। पूरी ये हज़रत मिल्लत इब्राहिमी में का एक फ़र्द होने की हैसियत से यह हक़ हम पर आयद होता है, अज़रूए इंसानियत यह फ़र्ज़ हम पर आयद होता है। अक़ल सलीम की रूह से हमारे पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम जिस मुल्क में रहें, जिस आबादी में रहें, जिस बस्ती में रहें, जिस गांव में रहें, वह हमारी ज़िंदगी नुमाया हो, वह हमें देखकर लोगों में तजस्सुस पैदा हो। ये कैसे लोग हैं, ये निगाहें नीची रखते हैं, ये किसी का बुरा नहीं चाहते, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये झूठ नहीं बोलते, ये बेईमान नहीं हैं, ये कभी किसी बदनजरी नहीं करते, किसी की हुर्मत पामाल नहीं करते। हमारी ये किसी और आइडियल्स को मानते हैं, इनके निगाह में कुछ और वैल्यूज़ हैं, इनकी निगाह में कोई दूसरी दुनिया है, ये आखिर इस दुनिया को नहीं जानते। मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमली ज़िंदगी में इस्लाम लाकर अपने गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर दिलचस्पी और तजस्सुस और क्यूरियोसिटी पैदा करें। मेरे भाई और दोस्तों, छोटा से छोटा वाक़या कब दिल पर असर कर जाए, कब किसी की दिल की दुनिया बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। हज़रत जब्बार बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन थे, बल्कि बीर माउना में जो 70 साहबे कराम शहीद हुए थे उनको शहीद करने वालों में हज़रत जब्बार बिन सलमा भी शामिल थे। किसी ने पूछा, हज़रत आप तो दीन के बहुत बड़े दुश्मन थे, इस्लाम को मिटाने के दर पे थे, न जाने कितने साहबे कराम के ऊपर आपने हथियार चलाए, कितनों को जाबाहक किया, आखिर आप खुद मुसलमान क्यों हो गए? तो कहा उन्होंने, इनकी वजह एक जुमला है, एक फ़िक्रा है। बीर माउना के मौके पर जब मैं नेज़े से हमला कर रहा था तो एक मुसलमान, सीरत निगार कहते हैं उस मुसलमान का नाम हज़रत आमिर बिन फुहैरा था, एक मुसलमान के सीने में जब मैंने अपना नेज़ा मारा और उसका नेज़ा एक पहलू से निकलकर दूसरे पहलू से आर पार हो गया और वो तड़पता हुआ नीचे गिरने लगा। तो गिरते गिरते जब उसकी जान निकल रही थी, उसकी ज़बान से निकला फुस्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। मुझे ताज्जुब हुआ, क्या कामयाबी के दो मयार हैं? मैं तो कामयाबी ये समझता हूँ कि मेरे पास ऐशो इशरत हो, दौलत हो, पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो, ये तो बज़ाहिर मेरी निगाह में तो नाकाम है। क्या ये नहीं जानता कि इसका कारोबार ठप हो जाएगा? क्या ये नहीं जानता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी? क्या ये नहीं जानता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे? क्या ये नहीं जानता कि इसकी ज़िंदगी भर की कमाई दूसरे लोग हथिया लेंगे? फिर ये कौन सी कामयाबी की बात कर रहा है, ये कौन सी जन्नत की बात कर रहा है, ये कौन सी खुशी की बात कर रहा है? इस जुमले ने मेरे दिल को खींच लिया और मैंने फिर जानने की कोशिश करी, लोगों से पूछा कि मरते वक्त वो लोग खुश क्यों होते हैं मुसलमान? तो मुझे लोगों ने बताया, ये कहते हैं कि शहीद के लिए जन्नत है। हो सकता है उन्होंने जन्नत देखी हो सकता है उन्होंने अल्लाह का दीदार किया हो सकता है फरिश्तों ने उन्हें बशारत सुनाई हो। बहरहाल इस जुमले की वजह से मुसलमान हो गए। मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान को इस आखिरी दर्जे की कुर्बानी का, इस आखिरी दर्जे की फिदायत का, इस आखिरी दर्जे की जानिसारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हमारे पड़ोसी और इस मुल्क की गैर मुस्लिम आबादी उसे देख कर दिलचस्पी महसूस करे, तजस्सुस महसूस करे, उत्सुकता महसूस करे, उसको यह एहसास हो कि ये लोग कौन हैं। क्या ये नहीं जानते कि झूठ बोलकर कितना कमाया जा सकता है? क्या ये नहीं जानते धोखा देकर कैसी बिल्डिंगें खड़ी की जा सकती हैं? क्या ये नहीं जानते ऐशो इशरत में जीने में कितना मज़ा है? क्या ये नहीं जानते कि इज्जत और शोहरत सबसे बड़ी चीज़ है? क्या ये नहीं जानते कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी है? ये किस दुनिया की बात करते हैं? इनकी दुनिया ही अलग है, इनकी सोच अलग है, इनकी फ़िक्र अलग है। ये दिलचस्पी और ये तजस्सुस जब हम उनके अंदर पैदा करेंगे मेरे भाई और दोस्तों, तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी और ये उसी वक्त होगी जब हमारी ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में ढली होगी। तब वो देखकर हमारे देखकर उसके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, वो इस्लाम का मुताला करेंगे, इस्लाम को तवज्जो देंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, इस्लाम के बारे में सुनेंगे। और जिनकी फितरत सलीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दीन हक़ की हिदायत भी देगा। अहले इल्म के लिए सवाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद 23 साल तक नबी रहे। 13 साल आप मक्के में रहे, 10 साल आप मदीने में रहे, 13 साल मक्का, और फिर सन 6 हिजरी में यानी 19 साल के बाद सुलह हुदैबिया हुई। उसके 2 साल बाद फतेह मक्का हुई। इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी कहते हैं इस 2-2.5 साल के अरसे में यानी फतेह सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का के दरमियान जितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल किया इतना कभी नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ था? हालांकि अल्लाह के रसूल मक्का में थे, अल्लाह की तायद हासिल थी, कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था, मौजज़ात दिखाए जा रहे थे, अल्लाह के रसूल की सोहबत और तरबियत में वही तासीर थी। फिर ऐसा क्या फ़र्क आ गया? फ़र्क यह आ गया, फ़र्क था सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया जो हुई उससे पहले कुफार और मुसलमानों के दरमियान जंग का माहौल था, एक दूसरे के ऊपर लड़ने का माहौल था, एक दूसरे के खिलाफ नफरत आज़मा होने का माहौल था। कभी उनको अमन चैन से मिलना नसीब नहीं होता था, एक दूसरे के पास आना जाना नसीब नहीं होता था। सुलह हुदैबिया में जो शर्तें थी उनमें एक शर्त ये थी कि मक्का का जो फ़र्द चाहे मदीना जा सकता है, वहाँ रह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, और मदीने का जो फ़र्द चाहे वो आकर मक्के में अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, वहाँ रह सकता है। इस शर्त का होना था, सुलह हुदैबिया का मुनाकिद होना था कि कुफार और मुशरिकीन अपने अपने अजीज़ मुसलमानों से मिलने गए, अपने रिश्तेदार मुसलमानों से मिलने गए। वहाँ देखा उनकी तो काया पलट हो गई है। कल तक जो बगैर गाली के बोलते थे उनकी ज़बान से फूल झड़ रहे हैं। कल तक जो नफरत और अदावत के मुजस्समा थे आज मोहब्बत और खैरखाई और उल्फत का सरचश्मा बने हुए हैं। उन्होंने देखा कि ये कभी हम पर फिक्रा नहीं चुसते, कभी जो हमारी चुटकी नहीं लेते, कभी हमारा मजाक नहीं उड़ाते, कभी हमारी तस्लील और तौहीन नहीं करते। ये हमसे मोहब्बत से पेश आते हैं। भैया हम इनके घर में जाते हैं, मेहमान की तरह हमें रखते हैं, अपने बच्चों को भूखा रखते हैं, हमें पहले खाना खिलाते हैं, पहले हमें आराम से सुलाते हैं, उसके बाद खुद सोते हैं। और ऐसा नहीं दीन की वजह से ये काहिल हो गए, सुस्त हो गए, नमाज के वक्त ये नमाज पढ़ते हैं और काम के वक्त ये काम करते हैं। आखिर ये फर्क क्यों आया? हमारा लिबास एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी जबान एक है, हमारी नस्ल एक है, हमारा देश और हमारा मुल्क एक है। आखिर इनमें काया पलट क्यों हो गई? इतनी तब्दीली क्यों आ गई? लोगों ने बताया, उन्होंने खुद गौर किया ये इस्लाम की वजह से। अब उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हुई, तो वो दीन हक़ की तरफ माइल हुए, दीन हक़ को उन्होंने कबूल किया। और इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी जिनके ऊपर बेशतर अहादीस की रिवायात का मदार है, वो कहते हैं इस 2-2.5 साल के अरसे में जितनी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम दौलत इस्लाम से सरफराज हुए और बहरायाब हुए, इतना 19 साल में अभी तक नहीं हुए थे। मेरे भाई और दोस्तों, अब ये हमारी गलती है कि नहीं? 1000 साल से हम जिस मुल्क में आबाद हो, हम और जहाँ पर हमारी हुक्मरानी रही हो और वहाँ पर हम अपना तारुफ न करा सके हों, हमारे गैर मुस्लिम भाई ये ना जानते हो अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, ईद और बकरीद का मतलब क्या है, वो ये ना जानते हो हमारे अंदर जौहर क्या है, वो ये ना जानते हो हम कितने इस मुल्क के खैरखा हैं, कितने इस मुल्क के वफादार हैं, हमारे अंदर कितनी इंसानियत है, हमारे अंदर कितनी शराफत है, और हम कितना उनके लिए मुफीद हो सकते हैं, इस मुल्क के लिए मुफीद हो सकते हैं। उनको ये ना बता सके इस्लाम तो इस इंसानियत का सांचा है, इसमें इंसान ढल ढल कर निकलते हैं, अच्छे इंसान, आला किरदार के इंसान। अगर हम ऐसा ना करा सके तो बताइए मेरे भाइयों और दोस्तों, गलती किसकी है, गुनाह किसका है, जुर्म किसका है? मैं ये नहीं कहता कि हमारे वतन दूध से, हमारे हम वतन दूध से धुले हुए हैं। यकीनन सियासी नेताओं की, सियासतदानों की भी गलती है। उन्होंने इस कौम के अंदर जारहियत के जज्बात पैदा किए। गलती उस निसाबी किताबों की भी है जिनमें इस मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जहर घोल घोल कर बच्चों को पिलाया जाता है। गलती इस वोट बैंक की सियासत भी है जिसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाता है और बाकी आवाम में क्या उसका रिएक्शन हो रहा है, क्या नफरत का माहौल बन रहा है, ये नहीं देखा जाता। लेकिन मेरे मुखातब इस वक्त हमारे बिरादरान वतन नहीं हैं, मेरे मुखातब इस वक्त हमारे बिरादरान इस्लाम हैं, हमारे दीनी भाई हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि गैर मुस्लिम सोचने पर मजबूर हों। वो देखें रेलवे स्टेशन पर नल खुला हुआ है, मनो पानी बह रहा है, कोई बंद करने वाला नहीं। एक मुसलमान आता है, वो कहता नहीं मेरे देश का पानी है, मेरी मिट्टी का पानी है, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पानी है, मैं इस नेमत को ज़ाया नहीं होने दूंगा। वो देख रहा है कि सरकारी किसी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, कहीं सड़क तोड़ी जा रही है, कहीं खंबा तोड़ा जा रहा है, कहीं स्ट्रीट लैम्प को तोड़ा जा रहा है, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं टोक रहा। लेकिन मुसलमान को फिक्र होती है, मुसलमान इसको अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। हमारी ज़िंदगी मेरे भाई और दोस्तों और साथियों ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों के अंदर दिलचस्पी लें, उससे मोहब्बत करें, उस जैसा बनने की कोशिश अच्छी करें, उनको आइडियल माने। अगर हमारी ज़िंदगी खुद इस मयार से फरोतर हो तो हम दूसरों को क्या दावत दे सकेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दूसरी नुमाया खासियत है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले कर दी थी और यही हुक्म हमें भी दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवाति शैतान। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, सब्र करो, आपस में सब्र की तलक़ीन करो और डट जाओ मुहाज़ पर, राबितू मुहाज़ पर डट जाओ और अल्लाह से डरो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, कुल्लुकुम अला रिबातिन फला नुतयन्ना मिन क़िबलिही। ये जुमला आप सब लोग याद रखें कि तुम सब में हर एक हम में से एक मुहाज़ पर है। जो बाज़ार में ख़रीद फ़रोख्त कर रहा है वो भी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दुकान में बैठा है वो भी इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बस में सफ़र कर रहा है, गाड़ी में सफ़र कर रहा है, रेल में सफ़र कर रहा है, वो भी इस्लाम का नुमाइंदा बनकर कर रहा है। तो देखो, तुम में से हर एक मुहाज़ पर है, तो तुम्हारी वजह से हमें हार ना हो, तुम्हारी वजह से, तुम में से किसी की वजह से हमें बेइज्जती ना झेलनी पड़े। तो मेरे भाई और दोस्तों, जब मेहमान आता है बच्चों को सजाते हैं, बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं कि मेहमान के सामने अच्छा इंप्रेशन जाए। तो मेरे भाई और दोस्त और साथियों, कल अगर बारगाह रब में हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन कहे कि इन्होंने हमें कई पैगाम हक पहुँचाया नहीं, कभी इन्होंने खुद इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं किया, कभी ये ऐसे बनकर नहीं दिखे कि हम इनके अंदर इंटरेस्ट लेते, दिलचस्पी लेते, तो मेरे भाई हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दूसरी खसूसियत, पूरी ज़िंदगी दीन के साँचे में ढाल लेना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी खसूसियत उनकी ज़िंदगी की यह है, अपनी आने वाली नस्लों, अपने बच्चों और अपने बच्चों के दीन की हिफाजत कर फिक्र करना, उनके ईमान की फिक्र करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा घटाटोप तारीख है, तो अपने इकलौते बेटे को ले जाकर जंगल में जहाँ बेआबो गया सहरा था वहाँ जाकर बसाया ताकि वो दीन पर अमल करे। रब्बना इन्नी अस्कनतु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ए रब, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को एक बेआबो गया वादी में बसाया है तेरे मोहतरम घर के पास, ताकि तेरी परस्त करें, तेरे साथ किसी को शरीक ना करें। वो अपनी दुआओं में मांगा करते थे दुआ, रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ए रब, मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज़ कायम करने वाला बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आजमाइशों के बाद उन्हें इनाम देना चाहा, कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें दीनी इमामत और पेशवाई का मनसब दे रहा हूँ। फ़ौरन उन्हें अपने बच्चों की याद आई, काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का क्या होगा। और जब अल्लाह ताला ने बताया नहीं उसमें बिगड़े हुए लोग पैदा होंगे, तो उन्होंने दुआ मांगी, ए रब, उनके अंदर नबी भेजना, ऐसा नबी जो उनको किताब व हिकमत की तालीम दे, उनको तेरी आयात पढ़कर सुनाए और उनका तज़किया करे। ये औलाद के लिए उनकी फ़िक्र, ज़िंदगी भर अपनी औलाद के लिए, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका दीन और ईमान का क्या होगा। यहाँ तक कि जब मौत का वक्त आया, आखिरी सांस थी, तो कुरान कहता है, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याक़ूब इस या बुनय्या इन्नल्लाह इस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहिम ने वसीयत की थी, मरते वक्त अपने बच्चों से कहा था, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखब कर लिया है, बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मरना मत मगर इस्लाम की हालत में। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस्वा, मरते वक्त भी अपने औलाद के दीनी मुस्तकबिल की फ़िक्र। और अच्छा, उनकी औलाद ने इस बात को ध्यान से गांठ से बांध कर रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बड़े बेटे हैं, उनका जिक्र कुरान कहता है, वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिया। इस्माईल का जिक्र करो किताब में, वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे। व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़काति व कान इंद रब्बिही मर्दिया। वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, ज़कात का हुक्म देते थे और इस वजह से अल्लाह के यहाँ पसंदीदा थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी नस्ल यानी हज़रत इब्राहीम के पोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, तो कुरान जिक्र करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाला लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। क्या तुम मौजूद थे उस वक्त जब याक़ूब की मौत का वक्त आया, तो उसने कहा अपने बच्चों से, मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे, मेरे बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे। ध्यान रखिएगा, ये बातें इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये बातें इसलिए नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके दोनों बेटे हज़रत इस्माईल हज़रत इसहाक़ नबी थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तीसरी पुश्त में आते हैं, वो नबी थे। हज़रत याक़ूब के बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी थे। नबियों का घराना है और जिन मुखातब का हज़रत याक़ूब कर रहे हैं, जिन लोगों को, जिन नौजवानों को, उनमें खुद एक नबी खड़ा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। उसके बावजूद कितनी फिक्र है अपनी औलाद के बारे में, कालू नाबुद इलाहा का व इलाहा बाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक़ इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। उन्होंने कहा बच्चों ने, हम उस माबूद की बात करेंगे, उस खुदाए बरहक़ की बात करेंगे जो आपका भी माबूद है, हज़रत इस्माइल का भी माबूद है, हज़रत इसहाक़ का भी माबूद है, वह खुदाए वाहिद है, वह नहनु लहू मुस्लिमून। हम उसके अलावा वाले अपने आप को कर दिया, हम इस्लाम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, फर्मा बरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, यही हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और उस पर जम जाएं, हम आपसे रिस्क नहीं मांगते। बच्चों का कैरियर बनाना है, आप थोड़ा बेदीर हो गया, नमाज छूटने लगी, लेकिन अच्छा कमा रहा है, ये तस्वुर नहीं। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे तनख्वाह नहीं मांग रहे, हम आपसे रिस्क इस काम के लिए भेजा ही नहीं हमने आपको, नहनु नरज़ुक़ुक, रिस्क देने वाले हम हैं, वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम खैर तकवा वालों के लिए है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खिताब करके फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाति हुम अबनाउ सबईन वज़रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको उस पर मारो। मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे खिताब करके कहा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत आपसे ताल्लुक़ और मिल्लत इब्राहीम में होने का एक हक़, एक तकाज़ा यह भी है कि आदमी अपने बाद अपनी नस्लों के ईमान की और दीन की फिक्र करे। और आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ जैसे शिर्क और बुतपरस्ती का दौर दौरा है, तो आज ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के दीन और ईमान की फिक्र करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात अज़बर थी, फरमाया, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिनन वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। ए रब, इस शहर को गहवाराए अमन बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचाना। रब्बी इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरा मिनन नास। ए रब, इन बुतों ने बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया है, मेरी नस्ल कहीं बिगड़ ना जाए, मेरी नस्ल कहीं शिरक और बुतपरस्ती में ना चली जाए, ए अल्लाह इनको महफूज रखना। तो मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, मिल्लत इब्राहीम में होने का ये 3 तकाज़े, ये 3 हुकूक़ हैं। सबसे पहला हक़, हमें दावत हक़ गैर मुस्लिम बिरादरान वतन तक पहुँचानी है। नंबर 2, हमें दीन इस्लाम में वैसे ही दाखिल हो जाना है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए थे, ताकि हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन में और पूरी इंसानियत में एक तरह की दिलचस्पी पैदा हो, एक तरह की क्यूरियसिटी पैदा हो। ये और तीसरा है कि हमें अपनी आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है, उनके दीनी मुस्तकबिल की फिक्र करनी है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का उसवा है, नुमाया फ़ीचर्स हैं। अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पर हम यहाँ ये अहद करके जाते हैं, इंशाअल्लाह इन 3 कामों को अपना हम मकसद ज़िंदगी बनाएंगे, प्रायरिटीज़ में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ हज़रत इब्राहीम का इससे बढ़कर कोई ख़राज अक़ीदत नहीं है, और इससे बढ़कर कोई उनके लिए तहनीत नहीं है, इससे बढ़कर उनके लिए कोई मुबारकबादी नहीं है, इससे बढ़कर उनकी सुन्नत का कोई अहया नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम हज़रत इब्राहीम के उसवे को सामने रखें, आपके नमूने को सामने रखें, और दीन पर वैसे ही अमल करें जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया था। अल्लाह ताला से दुआ हमें कहने सुनने अमल की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।